जय माता दी। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपने शत्रु से पीछा छुड़ा सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपको अपने जूते में रख लेनी है और आपका शत्रु हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। अगर आपके ऊपर उसकी बुरी नजर है, आपके परिवार के ऊपर बुरी नजर है, आपके बिजनेस पे या आपके प्रॉपर्टी पे, किसी भी चीज पर अगर उस इंसान की बुरी नजर है, वो आपके पैसे हड़पना चाहता है, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिससे आप अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए हरा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटे साइज का पेपर लेना है। छोटा पेपर ले लीजिए और उसके बाद आपको अपने शत्रु का नाम उस पर लाल रंग की कलम से लिख देना है। लाल पेन ले लीजिए और शत्रु का नाम कागज पर लिखने के बाद आपको उसे फोल्ड करना है। बहुत ज्यादा बार फोल्ड नहीं करना है, सिर्फ दो बार आपको उसे फोल्ड कर एक छोटा सा कागज जो है उसे छोटा फोल्ड करके पुड़िया की तरह बना देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र है ओम नमो अमुकम हन हन स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको उस छोटे कागज के टुकड़े को अपने बाएं पैर के जूते में रख देना है और उसके बाद 24 घंटे के लिए आपको उस जूते को पहनना है। दोस्तों सही तरीका तो ये है कि आप कहीं अगर जा रहे हो, जहां पर आप जैसे ट्रैवल कर रहे हो, और उस समय अगर आप अपने जूते में इसे डाल देते हैं तो 24 घंटे तक वो जूता आपके पैर में रहेगा। इस तरीके से शत्रु का नाश होगा। जो शत्रु आपको परेशान करना चाहता है या फिर आपकी चीजें हड़पना चाहता है, वो इस लायक नहीं बचेगा कि वो आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। आपका शत्रु आपकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर आप इस उपाय को ना कर पाए तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा। उस नंबर पर कॉल करके आपकी जो समस्या है उसका निवारण आप हमसे ले सकते हैं। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा कि हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपने नंबर छोड़ देते हैं। आपको उन नंबर्स पर कॉल नहीं करना है, सिर्फ हमें कॉल कीजिए। उन नंबर्स पर कॉल करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो कि बस भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप उन नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इसीलिए मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि उन लोगों को कॉल ना करें और कमेंट सेक्शन में अपना नंबर बिल्कुल ना छोड़ें। जब भी कोई समस्या हो तो हमारे नंबर पर कॉल लगाएं। गुरुजी आपकी सेवा में हमेशा रहेंगे। आपकी कोई भी समस्या है उसका निवारण गुरुजी से आपको तुरंत मिलेगा। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।